All in our classes provided by MDN Public School. Here is Anjali to teach you business studies. हाँ जी, हम लोगों ने partnership organization start किया हुआ है, ठीक है। उसमें हम लोगों ने partnership के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ दिया कि होती क्या है, ठीक है, इसके features क्या हैं, merits क्या हैं, demerits क्या हैं, ठीक है, types of partnership क्या है, ठीक है। अभी हम types of partnership पढ़ के आए थे, ठीक है, partnership start करने की क्या क्या types हो सकते हैं, किस किस form में हम partnership, ठीक है, कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब आज हम पढ़ेंगे types of partners, ठीक है, कि कैसे कैसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर से अलग करती हैं, मतलब टाइप्स ऑफ पार्टनर्स क्या हैं, आज हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। ये कहता है कि हम लोगों ने जो पार्टनरशिप है, यानी कि सॉरी पार्टनर है, पार्टनर को टू टाइप्स की कैटेगरी में डाला है, मतलब दो कैटेगरी में उनको बांटा है। एक है हमारा फुल फ्लेज पार्टनर और एक है हमारा नॉट फुल फ्लेज पार्टनर, ठीक है। फुल फ्लेज पार्टनर एक नॉर्मल पार्टनर की तरह होता है, जो क्या है, फर्म में आता है, पैसे इन्वेस्ट करता है, ठीक है, और क्या है, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। यानी कि फुल फ्लेज पार्टनर मतलब फुली रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक पार्टनर होता है, ठीक है, तो वो होता है फुल फ्लेज पार्टनर, ठीक है। नॉट फुल फ्लेज पार्टनर का मतलब ये होता है कि वो नॉर्मल पार्टनर की तरह नहीं होता, उससे थोड़ा सा अलग होता है, मतलब ये किसी एक स्पेशल पर्पज़ के लिए क्या है, ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ता है, उस पर्पज़ से अलग क्या है, ये थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है और वो नहीं भी हो सकती है। लाइक वो फर्म को चाहे मतलब पैसे इन्वेस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। जैसे जैसे हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझ आता रहेगा, ठीक है। अभी जस्ट हम इसमें नहीं बता सकते, ठीक है। तो फुल फ्लेज पार्टनर क्या होता है, एक नॉर्मल पार्टनर की तरह होता है, जो पैसे इन्वेस्ट करता है, ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करता है, ठीक है। नॉट फुल फ्लेज पार्टनर के लिए आप सिर्फ इतना ध्यान में रखिए, किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए क्या है, ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ता है, ठीक है। तो आई जस्ट होप आपको फुल फ्लेज पार्टनर, नॉट फुल फ्लेज पार्टनर का मतलब समझ आया होगा, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे फुल फ्लेज पार्टनर्स भी कितने टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है, और नॉट फुल फ्लेज भी आगे कितने के हो सकते हैं। सबसे पहला है फुल फ्लेज पार्टनर्स, आगे हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किए हुए हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या है, एक्टिव, सेकंड है हमारा स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर, और थर्ड क्या है, सीक्रेट पार्टनर। एक्टिव पार्टनर क्या होता है, एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर होता है जो कि क्या है, फुली एक्टिव है। हाँ जी, एक्टिव कौन होता है, जो कि क्या है, बिल्कुल एक्टिव है। लाइक एक क्लास में स्टूडेंट है, वो ध्यान से सुन रहा है, पढ़ रहा है, काम कर रहा है, जो टीचर से बोल रहा है मतलब उसको फॉलो कर रहा है, तो वो क्या हो गया, एक्टिव हो गया। तो इसी तरीके से एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर होता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन में सारे काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, मतलब वो क्या है, मैनेजमेंट में जो डे टू डे डिसीजंस होते हैं वो भी ले रहा है, ठीक है, जो बड़े बड़े डिसीजंस हैं वो भी ले रहा है, ठीक है, मैनेजमेंट कर रहा है, एम्प्लॉयज़ को संभाल रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, मैनेजमेंट में फुली हिस्सा ले रहा है, ठीक है, कैपिटल पैसे भी इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो भी कह रहा है कि मैं उसमें भी शेयर लूँगा, ठीक है। इन केस अगर लॉस हो जाता है तो उसको क्या है, अपनी पॉकेट से भी भरना पड़ सकता है, तो यानी कि उसकी लाइबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड होगी, ठीक है। तो एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर होता है जो कि क्या है, मैनेजमेंट में हिस्सा लेता है, ठीक है। स्लीपिंग पार्टनर, स्लीपिंग कौन होता है भाई, जो सोता रहता है, मतलब एक स्टूडेंट है, एक तो ध्यान से सुन रहा है वो तो हो गया एक्टिव, जो नहीं सुन रहा है, ठीक है, सिर्फ क्या है, ऐसे रिएक्ट कर रहा है कि मैं क्लास में हूँ जस्ट, ठीक है, लेकिन वो काम कुछ नहीं कर रहा, तो वो क्या होता है, स्लीपिंग होता है। तो ऐसे स्लीपिंग पार्टनर वो पार्टनर होता है कि जो क्या है, मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं ले रहा है, जो कोई काम नहीं कर रहा है, वो क्या होता है, हमारा स्लीपिंग पार्टनर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो आलसी है इसलिए वो स्लीपिंग पार्टनर है, नहीं जी, शायद किसी और फैक्टर की वजह से, या कहीं वो कहीं और एंगेज्ड हो, कोई और काम कर रहा है, इस वजह से वो क्या है, फर्म को नहीं संभाल पा रहा है, इसलिए वो कह देता है कि मैं आपकी फर्म में पैसे लगा दूंगा, मतलब कैपिटल इन्वेस्ट कर दूंगा, जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो हम क्या आपस में बांट लेंगे, ठीक है। इन केस लॉस हो जाता है तो मैं अपनी पॉकेट से भी पे करने को तैयार हूँ, यानी कि मेरी जो लाइबिलिटी रहेगी वो अनलिमिटेड रहेगी, लेकिन मैं मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लूँगा क्योंकि मैं और भी बहुत काम करता हूँ, मेरा इससे भी अलग कोई बिजनेस है या मैं कहीं और एम्प्लॉई हूँ, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर में क्या डिफरेंस होता है। एक्टिव क्या, मैनेजमेंट में हिस्सा लेता है, स्लीपिंग बाकी सब काम एक्टिव जैसे करता है लेकिन सिर्फ मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लेता है, ठीक है। थर्ड है हमारा सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर क्या होता है कि कई बार किसी पर्सन की रेपुटेशन पब्लिक में अच्छी नहीं होती, ठीक है, मतलब उसको क्या है, पब्लिकली ज़्यादा जाना नहीं जाता या उसको मतलब पसंद नहीं किया जाता लोगों के द्वारा, तब वो कहता है किसी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स के आगे कि तुम मुझे अपना पार्टनर बना लो, ठीक है, लेकिन तुम जनरल पब्लिक को मत बताना कि मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारी मैनेजमेंट संभालूंगा, मतलब तो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा जो बिजनेस है उसको संभाल सकता हूँ, रन कर सकता हूँ, लेकिन सीक्रेटली लोगों को नहीं पता है, ठीक है, कैपिटल मैं इन्वेस्ट करूंगा, पैसे लगाऊंगा, ठीक है,
प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा वो भी मैं शेयर करूँगा, ठीक है। अगर इन फ्यूचर क्या है लॉस हो जाता है और फर्म पे करने नहीं पा रही, तो मैं क्या है अपनी पॉकेट से उसको पे करने के लिए तैयार हूँ। तो वो कहता है कि मैं सब काम करूँगा, लेकिन तुम लोगों को मत बताना कि मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ। इसका मतलब उसको सीक्रेट रखना, तो वो क्या हो गया, सीक्रेट पार्टनर। आई जस्ट होप आपको समझ आ गया होगा। तो अब काफ़ी स्टूडेंट्स के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, तो सीक्रेट और एक्टिव पार्टनर में क्या डिफरेंस है? सिर्फ यही डिफरेंस है, एक्टिव पार्टनर को लोग भी जानते हैं कि ये उस फर्म का पार्टनर है, लेकिन सीक्रेट पार्टनर को कोई नहीं जानता कि उस फर्म का पार्टनर है, ठीक है। वो स्लिपिंग पार्टनर क्या होता है, वो सब काम करता है, लोग भी उसे जानते हैं, ठीक है, लोगों के द्वारा वेल नोन होता है कि उस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है, लेकिन सिर्फ वो मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लेता। आई जस्ट होप आपको समझ आया होगा। देखिए मैंने टिक भी किए हुए हैं, ठीक है, जैसे कि मैं एक बार आपको बता ही देती हूँ। एक्टिव पार्टनर कौन होता है, जो कि क्या करता है, हमारा मैनेजमेंट में हिस्सा लेता है, ठीक है। स्लिपिंग पार्टनर मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लेता है, सीक्रेट पार्टनर लेता है, ठीक है। कैपिटल तीनों का लाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस भी तीनों शेयर करेंगे, ठीक है, और क्या है लाइबिलिटी भी क्या है तीनों की अनलिमिटेड रहेगी। इस आई जस्ट होप अब आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं हम नॉट फुल फ्लेज पार्टनर्स। नॉट फुल फ्लेज पार्टनर का मतलब मैंने आपको बताया था, जो किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए, स्पेशल पर्पज़ के लिए पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर बन जाते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है हमारा नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल का मतलब होता है नाम, सिर्फ नाम नाम के पार्टनर, ठीक है। जैसे कि कई बार एक पर्सन की रेपुटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म क्या सोचती है, जिसके पार्टनर है, अगर ये व्यक्ति हमारे सिर्फ ये लोगों को दिखा दे कि ये इस फर्म का पार्टनर है, मतलब अपना नाम अपनी हमारी ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ दे, तो वो क्या है हमारी रेपुटेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल लेके बताते हैं। आप लोग देखो, आप अभिषेक बच्चन को जानते हैं, ठीक है। अभिषेक बच्चन ने क्या किया, पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की, ठीक है, तीन लोगों के साथ, ठीक है, तीन पार्टनर्स थे, ठीक है। इन मतलब इन चारों ने मिलकर क्या कर ली, पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट कर दी, ठीक है। लेकिन आपको पता है अमिताभ बच्चन की जो रेपुटेशन है, अमिताभ बच्चन है जो हमारे हीरो हैं, ठीक है, उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, ठीक है। तो अभिषेक बच्चन जी जाकर और तीन पार्टनर्स जाकर क्या बोलते हैं उनको, कि आप सिर्फ मतलब हमें मतलब ये दिखा दीजिए, आप अपना नाम हमारी फर्म के नाम से जोड़ दीजिए, जिससे क्या है लोगों को लगे कि आप हमारे पार्टनर हैं और लोग हम पर विश्वास बना ले, विश्वास बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारी फर्म भी क्या हो जाएगी, फेमस हो जाएगी। समझ आया आपको कि वो लोग सिर्फ क्या है उस पर्सन को अपना पार्टनर इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि उसकी रेपुटेशन अच्छी है, उसका नाम हमारी फर्म से जोड़ रहे हैं क्योंकि उसकी रेपुटेशन अच्छी है, ठीक है। तो अब बताइए क्या वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा? नहीं जी, सिर्फ वो नाम नाम के लिए आया है तो वो क्या मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। एम का मतलब क्या है यहाँ पर, मैनेजमेंट। क्या वो कैपिटल इन्वेस्ट करेगा? नहीं जी, वो कैपिटल भी नहीं लाएगा, सिर्फ वो अपना नाम जोड़ेगा पार्टनरशिप फर्म से, कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस नहीं शेयर करेगा, ठीक है। हाँ, लाइबिलिटी उसकी अनलिमिटेड रहेगी। क्यों? अब मान लो उस फर्म में लॉस हो जाए, ठीक है, और कोई क्रेडिटर जिसको पेमेंट नहीं हुई है, तो वो तो अमिताभ बच्चन जी के पास जाएगा कि आपकी पार्टनरशिप फर्म जिससे आप जुड़े हुए हैं उसने मुझे पेमेंट नहीं की, तो अमिताभ बच्चन जी क्या कहेंगे, कोई बात नहीं जी मैं दे दूंगा। अब तब उस केस में वो ये नहीं कह सकता कि मैं इस फर्म का क्या है पार्टनर नहीं हूँ, मैंने जस्ट नाम दिया था। तब उसको अपनी पॉकेट में से पैसे देने ही देने पड़ेंगे। इसका मतलब वो मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लेता, कैपिटल नहीं लाता, कैपिटल नहीं लाता तो क्या है प्रॉफिट में हिस्सा भी नहीं लेगा, ठीक है। लेकिन इन केस अगर लॉस हो जाता है तो उसको अपने पॉकेट में से उसको पे करने पड़ेंगे, यानी कि पर्सनल असेट से उसको बियर करने पड़ेंगे। आई जस्ट होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। उसके बाद है पार्टनर बाय एस्टोपल और होल्डिंग आउट। इसमें क्या होता है कि पार्टनर पार्टनरशिप फर्म का एक्चुअल पार्टनर नहीं होता, लेकिन वो अपने कंडक्ट से या अपने कार्यों से ऐसा दर्शाता है कि मैं इस फर्म में क्या है पार्टनर हूँ, ठीक है। मतलब वो एक्चुअल पार्टनर नहीं होता, लेकिन सिर्फ एक्टिंग करता है कि मैं इस फर्म में पार्टनर हूँ, और उसकी इस एक्टिंग की वजह से क्या हुआ, उसके उस काम की वजह से क्या हुआ, सामने वाली पार्टी को विश्वास हो गया कि ये उस फर्म का पार्टनर है और उसके साथ एक डील में आ गई। जैसे कि क्या हुआ, हम एक एग्जाम्पल से लेते हैं, समझते हैं कि ए बी सी क्या है तीन पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करना चाहते थे, ठीक है। ये लोन लेने के लिए बैंक में गए, बैंक को बोला कि हमें लोन दे दो, ठीक है। बैंक वाले बोलते कि तुम्हारी रेपुटेशन मतलब तुम लोगों को हम जानते नहीं हैं, ठीक है, किस बेस पे हम तुम्हें लोन दे दें, ठीक है। लेकिन वहीं पर डी क्या हुआ, एक बहुत मतलब अच्छा आदमी था, लोग उसको अच्छे से जानते थे, ये तो तीनों क्या गए इसके पास कि आप हमारे साथ चलिए बैंक में, ठीक है, और प्लीज़ हमें क्या है लोन दिलवा दीजिए, ठीक है। डी अब ये चारों मिलकर बैंक के पास गए, ठीक है, डी को वो अच्छे से जानते थे, इन्होंने कहा प्लीज़ हमें लोन दे दीजिए, ठीक है।
हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि आपका लोन टाइम पे चुका देंगे, ठीक है। यहाँ पर डी उसका पार्टनर नहीं है, ठीक है ना, वो चाहता कि वो उसका नाम यूज़ करे, लेकिन उसके एस के कंडक्ट की वजह से इसको ऑटोमेटिकली विश्वास हो गया। इसने कहा नहीं कि मैं उसका पार्टनर हूँ, ठीक है। इसमें क्या हुआ, उसको विश्वास हो गया कि शायद ये इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर होगा, तभी ये यहाँ पर रिक्वेस्ट करने आया है, ठीक है। तो उसके इस एक्ट की वजह से सामने वाले को विश्वास हो गया कि वो इस फर्म का पार्टनर है और उसने उसको लोन दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसके एक्ट की वजह से सामने वाली पार्टी ने उसके ऊपर विश्वास कर लिया और उसके एक्ट की वजह से उसने क्या कर दिया, लोन दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए, डी क्या मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, नहीं जी। कैपिटल लाएगा, नहीं जी। क्या वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेगा, नहीं जी। उसने जस्ट क्या है, उनकी हेल्प की, ठीक है। तो यहाँ पर ना तो उसने नाम दिया कि मैं इसका पार्टनर हूँ, आप मुझ पर विश्वास करिए, सिर्फ उसने कहा कि प्लीज़ हमें लोन दे दीजिए और उसको सामने वाले को ऑटोमेटिकली विश्वास हो गया कि उसका पार्टनर है, ठीक है। तो अब आप इसमें दोनों में कन्फ्यूज़ मत हो जाइएगा, नॉमिनल में और होल्डिंग में, ठीक है। नॉमिनल में तो वो खुद से कहता है कि मैं इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर हूँ, लेकिन वो किसी चीज़ में हिस्सा नहीं लेता। इसमें वो कहता नहीं है, लेकिन उसने ऐसा कंडक्ट कर दिया, ऐसा काम कर दिया कि सामने वाले को ऑटोमेटिकली विश्वास हो गया। इस वजह से क्या हुआ, उसने सोचा कि वो का पार्टनर है, लेकिन एक्चुअल में पार्टनर नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप बाय एस्टोपल होल्डिंग आउट। आई जस्ट होप आपको समझ आया होगा। माइनर पार्टनर मैंने आपको पहले भी समझाया, ठीक है। कोई भी ऐसा पर्सन जिसकी एज 18 साल से कम है, वो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकता। लेकिन जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि वो पार्टनर बन सकता है, लेकिन अगर लॉस हुआ तो वो लॉस बियर नहीं करेगा, ठीक है। उस कोई भी इन केस कोई भी लॉस होता है तो आप उसको ये नहीं कहेंगे कि जाके अपने घर से पैसे लेकर आओ और इन क्रेडिटर्स को पेमेंट करो, ठीक है। ना तो वो मैनेजमेंट में हिस्सा ले सकता, क्योंकि वो अभी छोटा है, ठीक है। उसके बाद कैपिटल तो वो लाएगा ही, तभी तो प्रॉफिट लेगा, बिना पैसे इन्वेस्ट किए, बिना मैनेजमेंट किए तो क्या लेगा, ठीक है। तो वो कहें उनकी कैपिटल भी होती है फर्म में, ठीक है। सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेगा, लॉस होगा तो वो शेयर नहीं करेगा। ना ही उसको कोई पार्टनर ये कहेगा कि अगर लॉस हो गया है तो अब तुम क्या है, अपने घर से जाकर पैसे लेकर आओ। समझ आया होगा कि वो कहना तो मैनेजमेंट में हिस्सा लेगा, और ना ही इन केस अगर ज़्यादा लॉस हो जाता है तो वो लॉस में हिस्सा लेगा, ठीक है। वो सिर्फ प्रॉफिट लेगा अगर प्रॉफिट हुआ तो, और क्या है, और क्या है, कैपिटल लाएगा, ठीक है। आई जस्ट होप आपको समझ आया होगा। पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, हाँ जी। कई बार पार्टनर क्या कहते हैं कि लो मैं तुम्हारे बिजनेस में क्या है, पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। प्रॉफिट होता है तो आप मुझे हिस्सा दे दीजिएगा, लॉस में बियर नहीं करूँगा, ठीक है। लोगों को भी पता है कि वो पार्टनर है, ठीक है। तो इस केस में क्या है, वो मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लेगा, क्योंकि उसने कहा ना कि मैं लॉस बियर नहीं करूँगा। जब तू लॉस ही नहीं बियर करेगा तो काम नहीं करेगा, ठीक है, ये रूल बन जाता है, ठीक है। तो वो कहता है कि ना तो वो मैनेजमेंट में हिस्सा लेगा, ठीक है। अगर लॉस हुआ तो लॉस में हिस्सा नहीं लेगा, लेकिन प्रॉफिट में हिस्सा ज़रूर लेगा। कैपिटल तो इन्वेस्ट करेगा ही, कैपिटल इन्वेस्ट करेगा तभी तो क्या प्रॉफिट लेगा, ठीक है। लेकिन ये कहता है कि अगर इन केस बहुत ज़्यादा लॉस हुआ तो आउटसाइडर उसके लिए क्या है, उसके ऊपर क्लेम कर सकते हैं। मतलब कोई आउटसाइडर आकर उसके ऊपर क्लेम कर सकता है कि तुम उस पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हो और उसने मुझे पेमेंट नहीं किया, अब तुम मुझे पेमेंट करो। इसका मतलब उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। समझ आया आपको कि वो ना तो मैनेजमेंट में हिस्सा ले रहा है, ठीक है। इनकेस लॉस हो जाता है, लॉस में हिस्सा नहीं लेगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया है तो वो प्रॉफिट में तो हिस्सा लेगा, ठीक है। लेकिन आउटसाइडर आकर उसके ऊपर क्लेम कर सकते हैं कि आप हमें क्या है, पेमेंट करो, इनकेस अगर पार्टनरशिप फर्म क्या है पेमेंट नहीं कर पाया। जस्ट होप आपको समझ आया होगा। एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर होते हैं जो हर चीज़ में क्या है, एक्टिवली पार्टिसिपेशन करते हैं। स्लिपिंग क्या है, सब काम करते हैं, सिर्फ क्या मैनेजमेंट नहीं करते। सीक्रेट सब काम करता है, लेकिन लोगों को नहीं पता कि वो क्या है, पार्टनर है। नॉमिनल पार्टनर क्या है, सिर्फ अपना नाम देता है ऑर्गेनाइजेशन को कि हाँ मैं इसका पार्टनर हूँ, लेकिन वो कोई भी मैनेजमेंट नहीं करता, कोई कैपिटल नहीं आता। पार्टनरशिप बाय एस्टोपल, ना तो वो नाम देता है, लेकिन फिर भी क्या है, उसका ऐसा काम, उसने ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से लोगों को विश्वास हो जाता है कि वो उस पार्टनरशिप फर्म का क्या है, पार्टनर है, और वो उससे क्या है, किसी कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं। माइनर पार्टनर वो पार्टनर होता है जिसकी एज क्या है, 18 से कम होती है, ठीक है। इसलिए वो सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा लेगा, कैपिटल लाएगा, लेकिन क्या कोई लॉस होगा तो वो शेयर नहीं करेगा, ना ही उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, मतलब अपनी पॉकेट से पेन नहीं करेगा। पार्टनरशिप बाय प्रॉफिट का मतलब क्या है, वो सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा लेगा, लॉस में नहीं लेगा। लेकिन आउटसाइडर अगर उनकी पेमेंट नहीं होती है तो उसको क्लेम कर सकते हैं कि आप हमें पेमेंट दो। आई जस्ट होप आपको समझ आया होगा। आज हमने ये फुल फ्लेज पार्टनर और नॉन फुल फ्लेज पार्टनर ये सब पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।